नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य की नीति के अनुसार बताएंगे, अगर औरत के ये अंग बड़े हैं तो बाह बहुत भाग्यशाली, ऐसी औरत पूरे घर की किस्मत चमका देती है और जिस भी घर में ब्याह होकर जाती है तो उस घर की सोई हुई किस्मत को जगा देती है और ऐसे घर बहुत जल्दी मालामाल हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर देवी लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती रहती है। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है, उसका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर यह भाग्य है, इस सवाल का जवाब सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों की स्थिति तक बताया गया है कि उसका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं महिलाओं के वे कौन से अंग हैं, अगर बड़े हैं तो वह पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होते हैं और उनके भाग्य को बदलने वाले होते हैं और उनके लिए बहुत ही शुभ होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर एक है मार्शल और पुष्टजंघाएं। मार्शल और पुष्टजंघाओं को भी सौभाग्यशाली होने का प्रतीक माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट व मार्शल होती हैं तो वह औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली और विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। और मित्रों, नंबर दो है बड़ी बड़ी आंखें। दोस्तों, बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वे विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। यह पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इसके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और दोस्तों, नंबर तीन है ऊंचा वच स्थल। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे सुडोल और बड़े बचस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इसके सुडोल बचस्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक हैं। दोस्तों, प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े बचस्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक था।